आओ बेटा आओ। अरे मेरा बेटा, मेरा राजा। हाँ ये तुम्हारी चॉकलेट्स के लिए। रॉबर्ट अंकल, आप भगवान को भी मानते हैं और चोरी भी करते हैं। चोरी करना तो पाप है। बेटा, चोरी करना अपुन का धंधा है, अपुन का बिजनेस है, अपुन का काम है, और गॉड की पूजा करना अपुन का धर्म है। यानी के चोरी एक तरफ और धर्म एक तरफ, चोरी धर्म, समझा? जा, घर में तेरा मां इंतजार करता है। ओ मां, कभी तो आराम कर लिया करो, ऐसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। लो, तुम्हारे लिए खांसी की दवा लाया हूं। लेकिन तेरे पास पैसे कहां से आए? वो रॉबर्ट अंकल है ना, वो जेब कतरा चोर, तो उसके पास क्यों गया था? हा? मैं उसके पास नहीं गया था, रास्ते में उसने मेरे बस्ते में दो बटुए डाल दिए थे। जब मैं उसे वापस करने गया तो उसने मुझे 20 का नोट दे दिया और ये रहे बाकी। ले जाइए, नहीं मुझे ना चोरी के पैसे चाहिए और ना चोरी के पैसे से खरीदी हुई दवा। मैंने चोरी नहीं की माँ। मेहनत भी तो नहीं की बेटे, पर जिंदगी में एक बात याद रखना, हराम की कमाई के हजारों लाखों रुपए से उस एक रुपए में ज्यादा बरकत होती है बेटे, जो हलाल की कमाई का होता है। ये रुपए और दवा रॉबर्ट को वापस करा बेटे। अच्छा माँ, जा। रोजी बेटा, ए रोज, अपने बाबा के लिए एक पैक बना, जल्दी। नो पैक, अब खाना खाओ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो नशा नजदीक भी नहीं आया। दो चार पैक अंदर जाने दे, फिर बेटा खाना भी खा लेंगे। अगर पापा तुमने एक पैक भी और लिया तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। तो यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी बेटा? मैं अपनी मम्मी के पास जाकर उनकी ग्रेव पर सो जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। नो बेटा नो, कभी जाने की बात नहीं करना। तुम खराब दारू पीता है, पीके न जाने क्या क्या बोलता है। मम्मी कहती थी इतनी ज्यादा दारू पीने से तुम मर जाएगा, वो तो बोलते बोलते मर गई। पर पापा तुमने दारू नहीं छोड़ा, पापा तुम भी मर गए तो मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं बेटा नहीं, इतना छोटा होकर इतना बड़ा बात करता है अपनी माँ की तरह। अरे वो तो मुझे छोड़कर चले गई, तो भी जाने की बात करती है। नहीं पापा। बेटा कभी ये मत बोलना। अंकल, रॉबर्ट अंकल, ये रहे 11 रुपए, बाकी 9 रुपए की मैंने माँ के लिए दवा ले ली थी। दवा ले ली थी? अरे मैन तुम बोलता क्या है? माँ ने कहा है हमें हराम की कमाई के पैसे नहीं चाहिए। इस दुनिया में साला हर आदमी जीसस क्राइस्ट बनना चाहता है, हराम की कमाई नहीं चाहिए। तो जाओ, तुम भी अपनी मां की तरह 3 रुपए का वास्ते दिन रात चक्की में पिसते रहो, गलाओ अपनी हड्डियां और एक दिन टीबी का मरीज बनकर मर जाओ। डाई लाइक ए डॉग। हराम की कमाई नहीं चाहिए, हलाल की कमाई चाहिए। डॉक्टर आने से पहले 2 बार खून की उल्टी कर चुकी है। अल्लाह खैर करे, मुझे तो शंकर पे रहम आ रहा है। तुम्हारी माँ बहुत कमजोर होगी बेटा, उन्हें आराम की जरूरत है, खुली जगह, ताजी हवा और अच्छे खाने की जरूरत है, जो यहाँ नहीं मिल सकता। तुम एक काम करो, उन्हें मीरज ले जाओ। मीरज कहाँ है? यहाँ से 6 या 7 घंटे का रास्ता है, वहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ मुफ्त में दवाइयाँ मिलती है, मुफ्त में इलाज होता है। वहाँ जाकर मेरी माँ ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? हाँ बेटा, लेकिन ले जाने में देरी ना करना। वहाँ पहुँचने में कितने पैसे लगेंगे? यही कोई 150 रुपए। अच्छा चलता हूँ।
सौ, दस, बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ, सत्तर। माँ, एक सौ पचास से भी तीस ऊपर हो गए। शंकर, अरे यार, तू बड़े अच्छे मौके पे आया। तू माँ का ख्याल रख, मैं दादर जाकर अभी नीरज की टिकट लेकर आता हूँ। ले चल यार। ए पकिया, लगता है उसके पास माल है। करेक्ट, लगता है। चलो। क्या है? ए, तुझसे प्राइवेट बात करनी है। मैं बहुत जल्दी में हूँ। तुझसे ज्यादा हमें जल्दी है। अरे छोड़। अबे चोरी का माल है, निकाल। मेरी भाभी मारे, ये मेरे हलाल की कमाई है, ये उसके इलाज के पैसे शंकर, तेरी माँ। चोरी का माल है, निकाल। मेरी भाभी मारे, ये मेरे हलाल की कमाई है, ये उसके इलाज के पैसे हैं। मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, मेरी माँ मौत से मारे, वो मर जाएगी। मेरी भाभी मारे, ये मेरे हलाल की कमाई है, ये उसके इलाज के पैसे हैं। शाबाश बच्चे, शाबाश। चलो शंकर, आज से तुम हमारे घर में रहोगे। तुम्हारे घर में तो तुम्हें डर लगेगा। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं, मैं मौत को डरना सिखा दूंगा। शाबाश। ये मत समझ लेना कि तेरी किस्मत अच्छी है और तू बच गया। हकीकत यह है कि मैं मारने से पहले तुझे एक बार मिलना चाहता था। कलवा, अच्छा होता अगर तू अपुन को कुचल देता, क्योंकि अब अपुन से मिलने के बाद तू जिंदा नहीं बचेगा। अच्छा, मेरे इलाके में आकर मुझे ही धमकी दे रहा है। क्या करूं, अपुन को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की आदत है। बड़ा घमंड है तुझे अपनी मर्दानगी पर। हर मर्द की औलाद को होता है, तो जैसे कुत्ते के पिल्ले को नहीं। तेरी ये हिम्मत, तू जानता नहीं मैं इस इलाके का बादशाह हूँ, बादशाह। अबे ओ बादशाह की छठी औलाद, शक्ल से तो तू गेंडा लगता है। जमीन पे रेंगने वाला कीड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे मसलने के लिए पैर का एक अंगूठा ही काफी है। हाँ बेटा। अंकल ये क्या हो गया आपको? अरे बेटा, तू मेरे पुलिस, बेटा तू भाग जा। नहीं अंकल, मैं आपको इस हालत में नहीं छोड़ के जा सकता। बेटा तू जीजा से कसम भाग जा। नहीं अंकल, नहीं नहीं नहीं। अरे बेटा, तुझे मेरी कसम, भाग जा, जा, जा। Thank you.
पहला कैंडल दारू पीने वालों की लंबी उम्र के वास्ते, और ये हफ्ता मांगने वाला हवलदार इधर ना है उसका वास्ते, और ये हमारा बेटी रोजी की हैप्पीनेस के वास्ते मदर मेरी। पापा आओ बेटी रोजी, आओ आओ। पापा आप अपने वास्ते कुछ नहीं मांगेगा? नहीं बेटी नहीं, जब अपन ने गॉड से अपने वास्ते कुछ मांगा था तो गॉड ने अपन का एक टांग ही ले लिया था, अब दोबारा गॉड से अपन के वास्ते कुछ मांगेगा तो अपन का दूसरा टांग भी ले लेगा। बेटे अब अपन अगर गॉड से कभी भी कुछ मांगेगा तो सिर्फ अपना बेटी रोजी का वास्ता मांगेगा। ओ पापा। रोजी, दारू ले आओ। जाओ कस्टमर बूम मारता है, उनको दारू दो। जाती हूँ पापा। ठहरो अभी लाती हूँ ना बाबा। ये लो रोजी। रोजी वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं रोजी। लूट गया चर्च का अड्डा, लूट गया। अरे कौन लूट गया, कौन आता है? बाबू और उसके गुंडे यहाँ आ रहे हैं। मैं छुप रहा हूँ, मैं छुप रहा हूँ रोजी। अरे क्या कर रहे हो, ये बोतल मेरी है। हट, दुनिया हिला दूंगा। ऐ साला यहाँ लफड़ा नहीं मांगता है क्या? उधर बैठ। किधर बैठू? इधर बैठो। यहाँ भंकत नहीं मांगता समझा क्या साला? हाय स्वीटहार्ट। ए पहले पैसा निकाल। पैसा बोतल बाद में। चिल्ला रही थी ना? इस साला जल्दी नाली कर लो। हमारा बेटी को छोड़, हमारा बेटी को छोड़, दे छोड़, हमारा बेटी को छोड़, 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 हमारा बेटी को लोग बैठने जा देता है, हमारा बेटी को बचाओ, बचाओ। शंकर? हाँ शंकर, शंकर नाम है मेरा। निशाना क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या बराबर है ना? हाँ दुनिया हिला दूंगा। आज के बाद तो इस इलाके में नजर आया तो अपनी दो टांगों पर नहीं बल्कि चार आदमियों के कंधे पर जाएगा, समझा? चल वाट, ए सुन, अपने इस टूटे फूटे दादा को भी लेके जा, समझा? चल वाट, ले लेके जाओ इस टपोरे को, साला शाला बनता है। दुनिया हिला दूंगा। अरे दुनिया क्या हिलाएगा बास्टर्ड, खुद तो हिल पहले, कचरा बाहर। आओ शंकर आओ, तुमने तो कमाल कर दिया, इन साला लोग का जिसम इतना मैल जम गया था, अच्छा क्या तुमने पूरा वाश कर दिया। वो सब तो ठीक है पर तुम किधर था आखा दिन, खाने के वास्ते क्यों नहीं आया? राइट। देखा अंकल, इसका सुबह शाम का एक ही प्रेयर है कि अपन दिन में किधर रहता है और रात में किधर रहता है, इसको बोल दो अपन बहुत भड़कता है। राइट। रॉन्ग, जब हम इतना वेट करता तो तुम किधर भी काय को जाता। राइट है, राइट है, लेकिन अपन रात को तो आता है ना इसका डांट खाने के लिए। ओह यू स्वीट बॉय। यस आई एम अ स्वीट बॉय, इसलिए बोलता है जास्ती पप्पी मत लो नहीं तो डायबिटीज हो जाएगा। मीठा बहुत खाता है ना। अच्छा एक पप्पी टू स्वीट फादर। चल अभी डबल डायबिटीज हो जाएगा, निकल ले बाप। पप्पी बहुत मीठा खाता है। ला 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 ला। क्या रे, क्या रे शेट्टी, क्या बोलता है? जयराम दादा। जयराम। क्या हाल है मास्टर जी? राम राम शंकर दादा। क्या हाल है मास्टर जी?
पेट फाट। हाँ वो जी मेरी बेटी कांता है ना, उसका ब्याह तय हुआ है। बहुत अच्छी खुशी का बात, अब उनका बहन का शादी हो रहा है, बहुत अच्छी खुशी का बात है यार। भाई आप तो जानो मेरी हैसियत क्या है। अरे यार तू शादी का शगुन निकाल, अपन तेरे साथ है क्या? थारा मुँह में बादाम का लाडू, बादाम का लाडू। अरे मौसी अब एक मिनट, अरे ला, अरे ओ मौसी, अरे इतना बोझा उठाने का तेरा उम्र है क्या? ला मुझे दे। अरे ये तो रहने दे बेटे। बस सिर्फ मुंह से बेटा बोलती है लेकिन दिल से नहीं मानती। अभी अपन की जगह देव होता था तो तेरे को एक भी थैला उठाने देता था क्या? ए, देव का कोई खबर आया? हाँ बेटे खत तो आया है, लिखा है रक्षाबंधन तक आएगा। अरे वाह फिर तो राधा बहुत खुश होगी। रक्षाबंधन तो बहन लोग का ही त्योहार होता है ना। ओ हद हो गई माँ, मुझे क्यों नहीं बताया कि तू राशन लेने जा रही है? लाओ भैया मुझे दो। अरे मैं अंदर लेके चलता हूँ ना। लाओ ना। चल अभी चल। शंकर भैया राम राम। का हो फलनवा। लाओ लेना है मौसी। क्यों बे आजकल पानी क्या भाव बेच रहा है? काहे शर्मिंदा करत हो शंकर दादा, पानी और दूध में हम तो कसम खाई लिए दादा, तुहार कसम कभी दूध में पानी नहीं मिलाएंगे। तुम जो हमको पहली बार 2000 रुपया नहीं दिए, पहली भैंस खरीदने को बस उसी से दूध, दूध से दही और दही से घी निकाल चले जा रहे हैं। दादा हमने तो हमार दुकान का नाम भी तुहार नाम पर धरल है, जय शंकर दूध भंडार। जय शंकर दूध भंडार। साला दूध भंडार मेरे नाम पर खोला है, मेरे को कभी चालू चाय पिलाया? क्या हुआ? तुम्हें मालूम है कि मेरा पांव सूज गया है, मैं चल नहीं सकती, मगर आवाज जरूर दोगे मुझे? तुम्हारे कान बज रहे हैं बेगम, मैं तो निगोड़ी हल्दी से बात कर रहा था जो किसकी नहीं है। तुम आई गई हो तो बैठ जाओ वरना खड़े खड़े पांव भारी हो जाएगा। हाय हाय बोलते वक्त कुछ तो सोचा करो। अरे मालूम है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सोचने में क्या जाता है। मेरा मतलब था कि तुम्हारा दूसरा पांव न सूज जाए। ए देखो अब अपनी खूबसूरत टांगे जरा इधर करो और हमारी नजरों को उनसे आवारा गर्दी करने का मौका दो। बेशर्मी की भी हद होती है। हद के बाहर तो हम वैसे भी नहीं जा सकते, अब हद के अंदर तो मत रोको हमको। देखो बेगम जरा पांव अपने इधर लाओ, मैं हल्दी लगा दूं। कितना खूबसूरत पांव है, पांच उंगलियां पांच नाखून, ये पांव देखकर मुझे कमाल मरोही की पाकीज़ा फिल्म याद आ गई। एक जगह उन्होंने वहां लिखा था कि आपने पांव जमीन पे मत उतारो मैले हो जाएंगे। आहा, आहा, मैं मर जाऊं क्या? सुलेमान चाचा। अरे ओए सुलेमान चाचा। शंकर आओ। अरे काय को सवेरे सवेरे मरने का बात करता है, जरा अपनी बुड्ढी की जवानी पर तो तरस खाओ। अरे जब तक ये मेरे बुढ़ापे पर तरस खाती रहेगी मैं मरने वाला नहीं। कोई मंदिर कोई गुरुद्वारा इसने ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ जाकर मेरी लंबी उम्र की दुआ नहीं मांगी इसने, और इसीलिए जिंदगी के सालों के 85 रन बनाकर अभी तक मैं नॉट आउट हूँ। देखो जंकर जब भी मैंने आउट होने का सोचा है तो इसने ऊपर वाले एम्पायर को रिश्वत देकर मुझे आउट ही नहीं होने दिया, और आज सुबह खुद ही LBW हो गई, देखो टांग पकड़ कर बैठी है। क्या हो गया बुड्ढी तेरे को? कुछ नहीं रे, परसों मंगल को मैं सिद्धि विनायक गई थी, वहाँ सड़क पर किसी आदमी से टकरा गई और गिर गई। देखा इस उम्र में भी छोकरे गंदा घिसते हैं इसके साथ। क्या चाचा अभी भी टेर लेता है क्या? ए बुड्ढी आज तू दरगाह कैसे जाएगी? तेरा पांव तो सुजला है। ऐसा करते तू मेरे कंधे में बैठ जा, तुझे दरगाह ले जाता हूँ। माटी मिले मेरी मौत से पहले ही मेरा जनाजा निकालना चाहता है। अरे बेगम वो तो रिहर्सल करना चाहता है, उसको रिहर्सल करने दो। और सुन मेरे मरने के बाद यही तो है जो तुम्हें कब्र तक ले जाएगा। मैं तुम्हारे बाद नहीं तुमसे पहले ही जाऊंगी। शंकर चल चल, जुमेरात की दुआएं जल्दी मान ली जाती है, मैं आज भी यही दुआ मांगूंगी। देख बादशाह भाई मैं सिर्फ 2 मिनट तक इंतजार करूंगा तेरे वसनी शंकर का, उसके बाद तूने हफ्ता नहीं दिया तो बोका का हुक्म है कि तेरी क्लब को तोड़ फोड़ कर आग लगा दूं मैं। गोली के उसी आग में तेरी चिता ना जला दी तो शंकर नाम नहीं मेरा, तो अभी तेरा नाम बदल देता हूं। हफ्ता चाहिए। क्या नाम कह रहे तेरा शाने? बाबला। फिर अपन के एरिया में आया ना तो बाबला
अपुन तेरा ऐसा तबला बजाएगा कि तू तेरा नाम भूल जाएगा। चल वट लिया वट एसोन, क्या नाम क्या बता तूने उसका? बोका दादा। बोका दादा तेरे लिए होगा रे। बोका को बोल देना कि शंकर के एरिया में किसी भी पालतू कुत्ते को घुसने के लिए लाइसेंस नहीं है, अगर आया तो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी में ढकेल डालूंगा। क्या? म्युनिसिपैलिटी गाड़ी में ढकेल डालेगा। चल वट लिया वट वट। बोका ये ले चाची, इन पैसों से अपनी आंखों का इलाज करा लेना। जुग जुग जी ओ मेरे बेटे, भगवान तुझे सुखी रखे। मेरे पैसे चुप बढ़िया चुप। दे दे मेरे पैसे, मेरे पैसे, अरे मेरे पैसे। करे बे तेरी बहन का मरा दूं, पहचाना क्या? हाँ, गरीब का पैसा मारता है, किधर का रहा तू? हाँ किधर का है? चला अपुन केरी में दोबारा दथिंग करने आया ना, घुसाड़ डालूंगा। चल वट ले आजा वट वट। बोला तो आला। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? इस बच्चे को कोई गाड़ी उड़ा कर चली गई। इसे अभी अस्पताल ले जाना पड़ेगा। जुगनू तू जल्दी से किसी गाड़ी को रोक, मैं बच्चे को उठा लेता हूँ। हाँ, हाँ, जल्दी करो। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, 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 गाड़ी रोको। क्या है साहब? एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। अबे बंदर, ये प्राइवेट गाड़ी है, कोई एम्बुलेंस नहीं, समझा? एम्बुलेंस नहीं है तो बन जाएगी, और तू भी इस बच्चे के साथ साथ जख्मी नजर आएगा, समझा? तेरी तो मुझे धमकी देता है। अपन किसी को कुछ देता नहीं है, जिससे जो मांगता होता है ना वो ले डालता है। ए जुगनू चल बच्चे को गाड़ी में डाल। चल अबे देखता नहीं मेरी गाड़ी में जगह नहीं है, कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ वो कुत्ते लोग को बाहर निकाल। चल ए कुत्ता को हाथ मत लगाना, मेले हो जाएंगे, देखता नहीं कितने कीमती कुत्ते। इंसान की जान कुत्तों से ज्यादा कीमती होती है। तेरी तो दादागिरी में अब तेरे कुत्ते सड़क गए देख। अरे अरे रोनी टोनी जॉनी रुको, पैर में कांटा लग जाएगा इडियट। अरे ठहरो। भागने दो इस मामूली कुत्ते को इन कीमती कुत्तों के पीछे। डाला बास्टर्ड। ये चरस पीकर खामखा क्यों अपनी लंबी जिंदगी को छोटा कर रहा है? गुरु मजा आ गया, मैं तेरे पास ही आ रहा था। तू चिलम फेंक कर बात कर यार। फेंकने की बात नहीं, अरे बात समेटने की है। एक लड़की अमेरिका से 8 दिन पहले बंबई आई है, मालूम जू बीच पे रोज रेस लगाती है, रोज घोड़ा चलाती है। हुजूर उसकी गले में इतनी मोटी चेन है, उसकी कीमत कम से कम 30,000 होगी। 30,000 की? हाँ ले दम लगा। दम तो अपन कल बीच पे ही लगाएगा। तू एक काम करना, तू कल सुबह मेरे को बीच पे मिलना, अपन तेरे को बताएगा कि करने का क्या है।
ये सोने की चेन तुम्हारे गले में खूबसूरत लगती है और मेरे गले में तुम्हारी बाहों का हार। जब से सुना है तो ना जाने क्यों मेरा दिल उस घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ा है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता बेटी तो मैं तो मरने के बाद भी अपने स्वर्गीय भाई साहब को मुंह नहीं दिखा पाता। ओहो, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मैं आपसे पहले अपने डैडी के पास पहुंच जाती। एंड बिलीव मी, मैं उन्हें इस बात का पूरा यकीन दिला देती कि मेरी मौत की प्लानिंग सिर्फ घोड़े ने की थी। आपका उसमें हाथ तो क्या उंगली तक नहीं थी। ओके, नाउ टेक इट इजी चाचा। नहीं, टेक इट इजी कहने से नौकर लापरवाह हो जाते हैं, इसलिए मैंने उस ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया है जो सुबह तुम्हें बीच पर लेकर गया था। मैंने ठीक किया ना शालू? मेरा नाम मत बिगाड़ो जिमी, मेरा नाम शालू नहीं शर्मिला है। और दूसरी बात ये कि मुझसे पूछे बगैर मेरे ड्राइवर को निकालने वाले तुम होते कौन हो? मैं ठीक कह रही हूँ ना चाचा जी? हाँ बेटे, बिल्कुल ठीक कह रही हो। सुनो, उस ड्राइवर को दोबारा नौकरी पर रख लो। डैड, कोई बात है? तुम यह क्या कर रहे हो? अरे आप आइए चाचा जी, ये वही हैं जिन्होंने सुबह मेरी जान बचाई थी, और ये मेरे चाचा जी मिस्टर दुर्गादास। नमस्ते। और मेरा नाम शर्मिला है। मैं शंकर। आप बैठिए ना। जी मैं बैठने नहीं आया, बल्कि आपकी तबीयत पूछने के लिए आया हूँ। वहां तो सब कुछ इतने जल्दी हो गया कि पूछ भी नहीं पाया कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। जी नहीं। हम आपके बहुत आभारी हैं मिस्टर शंकर। हमारी तरफ से ये इनाम लीजिए। जी इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपके इस इनाम में से बख्शीश की बू आती है, और शंकर बख्शीश लेता नहीं देता है। ये लीजिए सोने की चेन। ये तो मेरी है, इसीलिए लौटाने आया हूं। शायद घोड़े से गिरते वक्त आपके गले से गिर गई होगी। थैंक यू। ये चेन मेरी तरफ से सेठ जी को इनाम दे दीजिएगा। अब पहनिएगा नहीं, लेडीज है। बाय बाय बाय। बड़ा हसमुख है। ये अमरीका नहीं है बेटे, यहां हर चीज में मिलावट है, और जो दिखाई देता है वो असली नहीं होता। क्या मतलब? ये लड़का बहुत गहरा है बेटे, जो 40,000 रुपए की चेन वापस कर दे उसकी नजर डेफिनेटली करोड़ों पर होगी। आई डोंट थिंक सो चाचा जी। तुम हैंडसम हो, बहादुर हो, ईमानदार हो, खुददार हो, और हमारी पसंद के काबिल भी हो, मगर हम तुम्हें करीब से देखना चाहेंगे। अरे आप, वो बस यूं ही घूमने चला आया। अब मैं भी ऐसे ही घूमने चली आई थी, घूमने चली आई थी, यू नो। अच्छा, लगता है कल नेकलेस के साथ साथ आपका कुछ और भी खो गया था, उसी को ढूंढने चली आई आप। कहे तो मैं आपकी मदद कर दूं? कोई जरूरत नहीं। किसकी? खोई हुई चीज की या मेरी मदद की? अरे नहीं, आपकी मदद तो बिन मांगे ही मिल जाती है।
आंखों में तू ही तू, सांसों में तू ही तू, जब तक न देखूं सूरत ये तेरी कहीं मेरा दिल लगे ना लगे ना। ओए होए होए हुआ क्या पूछो ना, अरे होगा क्या हो जानो ना। आँखों में तू ही तू, सांसों में तू ही तू। तू ना हंसे तो तेरी कसम फिर बाहों में फूल खिलना। ओए होए होए हुआ क्या तो पूछो ना, अरे होगा क्या हजानो ना। बेगम सब्जी काटती रहोगी, वो तो शीरा बना कर रखा है, वो तो दो मुझे, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या,
मालूम नहीं है डॉक्टर ने आपको मना किया है मीठा खाने से। अरे डॉक्टर कौन होते हैं मना करने वाले, तुम मुझे चीरा खिला कर तो देखो, अगर मैं डॉक्टरों के तोते ना उड़ा दूं तो। हाँ हाँ, सीधे खड़े तो हो नहीं सकते और चले तोते उड़ा। सलाम अलैकुम बाबा। वालेकुम सलाम। आओ आओ आदा बुड्ढे। जी तेरे वो बेटे, ये तेरे साथ कौन है? तुझसे मिलाने के लिए लाया हूँ। अबे ओ, तोते उड़ा दूंगा, इससे मिलाने लाया था, हमसे नहीं। ठीक है ठीक है। बेटी तू कहाँ रहती है, कहाँ तक पढ़ी है, तेरे माँ बाप क्या करते हैं? अरे वो छोड़ बुड्ढी, ये बता कि लड़की कैसी चुनी है मैंने। अबे ओ, लड़की के बारे में इससे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ। प्रभु जी तू यहाँ बैठ, मैंने तेरे लिए तेरी पसंद की चीज बनाई है। क्या सीरा? असली घी का, बड़ी मुश्किल से बचाए रखा है मीठे के दुश्मनों से। थैंक यू। तुम लोग बैठो, मैं अभी लाती हूँ। बैठो। ये बुड्ढी बुड्ढी क्या कहते हो, वो तुम्हें इतना प्यार करती हैं, तुम उन्हें माँ जी नहीं कह सकते क्या? माँ जी ठीक है बोलता हूँ, फिर देखो वो क्या करती है, देखना देखना। क्या? ये ले। अरे अरे, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी माँ जी? फिर तूने मुझे माँ कहा, मैं तेरे बाल नोच लूंगी, तेरी टांगे तोड़ दूंगी, खबरदार जो फिर कभी तूने मुझे माँ कहा, निकल निकल मेरे घर से बाहर निकल। लेकिन माँ कहने में क्या बुराई है? बुराई है बेटी, ये कलमुआ अच्छी तरह से जानता है कि जिस जिसने मुझे माँ कहा वो जिंदा नहीं रहा, जिसको भी मैंने बेटा कहा मौत उसको मुझसे छीन के ले गई। ये मुझे बहुत प्यार करता है, मैं नहीं चाहती कि इसे कुछ हो। इस उम्र में मैं एक और औलाद की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे तू फिक्र मत कर बुड्ढी, मैं ऐसे मरने वाला नहीं हूँ, तेरे 40वें की बिरयानी खा के मरूंगा। खबरदार जो तूने मुझे फिर मार कहा। बेगम अब मेरे तोते क्यों उड़ा रही हो, अगर तूने मेरी बात ना माने तो मैं तुम्हें मां कहना शुरू कर दूंगा। छोटे भाई आज अपने हिस्से का सिरा मेरे को दे देना। सचमुच प्यार ही एक ऐसा रिश्ता है जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता। शंकर ये तुम 3 दिन से कहां गायब था? वो रॉबर्ट अंकल, मैं जरा आउट ऑफ स्टेशन गया था। आउट ऑफ स्टेशन? ये मेरी गर्लफ्रेंड शर्मिला। हेलो रॉबर्ट अंकल। मेरी माँ के मरने के बाद रॉबर्ट अंकल ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, अगर ये ना होते तो न जाने मैं कहाँ होता। नो मैन नो, ये हमेशा वन साइड का बात बोलता है, हम किया इसके वास्ते बहुत कुछ किया, लेकिन इसने हमको नया लाइफ दिया, इसी की वजह से हमें बार का लाइसेंस मिला, रिस्पेक्ट मिला। बेटा तुम इस बस्ती में पहली बार आया है, हम तुमको चाय तो जरूर पिलाएगा। अभी नहीं अंकल, फिर कभी आऊंगी और चाय भी जरूर पीऊंगी। तू शाम को घर पर आता या फिर आउट ऑफ स्टेशन? आउट ऑफ स्टेशन। नहीं नहीं, घर पे आता हूं ना। आता हूं। ओके अंकल बाय। ओके बेटा। क्या शेट्टे? अरे शंकर दादा, हमारे होटल का बहुत दिनों से तुमने कॉफी नहीं पी जी। बाद में पीऊंगा। अयो ये कॉफी में कितना टाइम लगता है? बोल दिया ना तेरे को बाद में पीऊंगा। नाराज नहीं होना जी शंकर दादा। नाराज नहीं है, चल बाद में पीऊंगा चल। अयो शंकर, ये सब लोग तुम्हें दादा क्यों पुकारते हैं? अब वो दरअसल क्या है कि बंगाली लोग बड़े भाई को दादा बोलते हैं ना, इसीलिए बेचारा दादा बोल रहा था। लेकिन तुम तो उनसे उम्र में काफी छोटे हो, और हाँ शेट्टी नाम बंगाली का नहीं मद्रासी का होता है। वो वाह, दरअसल क्या है कि बंबई में जो लोग जिसकी इज्जत करते हैं ना उसको दादा कह के पुकारते हैं, जैसे कि मिथुन दादा, भगवान दादा। वो एक बार क्या हो गया कि बस्ती में दंगा फसाद हो गया, तो हम लोगों ने इसका होटल बचाया था, तब से बेचारा बहुत इज्जत करता है, दादा बोलता है। अब तो मैं भी करने लगी हूँ। इज्जत या प्यार? दोनों। हेलो शर्मिला रुको। नंदनी
चलिए बाहर चल के बैठते हैं। अच्छा भाई साहब चलता हूँ, माफ हाँ यार शर्मिला कोई बात है। घर क्यों ले आए? इतनी रात जो हो गई है? अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं, चलो कहीं और चलते हैं। इतनी रात गए एक जवान लड़की एक अनजान लड़के के साथ, मैंने सोचा कि अनजान, यू नो मी एंड आई नो यू, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। सच? मुझे शक है फिर भी। एनीवे नेक्स्ट सैटरडे डिस्को थिक में मिलते हैं। नेक्स्ट सैटरडे यानी 7 दिन बाद? क्यों? वो क्या है कि मुझे एक जरूरी काम से कल पेरिस जाना ना, पेरिस। बाय। ओके देन बाय। बाय। अच्छा हाय अंकल, क्या कह रहे हो यार, शेयर्स के भाव गिर गए, मार्केट ठंडी हो गई, मगर पिछले हफ्ते तो तुमने कहा था कि ऐसा तो कोई सड़क के कुत्ते के साथ भी नहीं करता जैसा उसने मेरे साथ किया। हाँ 2000 शेयर बेच डालो, 7 लाख का नुकसान। साला आजकल जिस काम में हाथ डालो नुकसान ही नुकसान होता है, इडियट। सुबह से शाम तक 7 लाख जा चुके हैं। मुझे तो 7 के 7 करोड़ जाते दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी किया करो। तकलीफ क्या है तुम्हें? अरे तकलीफ नहीं होगी, आपकी प्यारी भतीजी मुझे छूत की बीमारी समझती है। अरे डिस्को में गई मेरे साथ और वहां जाके नाच रही है शंकर के साथ। चलो नाची तो नाची मगर डांस के बाद उसके साथ ही चली गई और मैं वहां उल्लुओं की तरह खड़ा देखता रह गया। तो तुम और शर्मिला साथ साथ नहीं आए? साथ साथ? ये आपको क्या हो गया डैड, 7 लाख के नुकसान में लगता आपके आंखों की रोशनी भी। शट अप। मैं अकेला आया हूं डैड, मेरे साथ कोई नहीं आया। वो तो मुझे नजर आ रहा है मगर अभी अभी शर्मिला आई है तुमसे पहले। ओ तो महारानी जी पहले आ गई हैं। धीरे बोल, वो ऊपर है। वो अगर ऊपर है तो मुझे नीचा क्यों दिखाती है उस साले शंकर के सामने? आप जानते हैं शंकर की मोटरसाइकिल पर कैसे बैठी थी, एकदम चिपक के दोनों बाहें उसके गले में ऐसे डाल दी जैसे वरमाला पहना रही हो। उन बाहों को वहां से निकालना होगा बेटा, वरना हम दोनों को इस बंगले से निकलना पड़ेगा। हां बेटा, भाई साहब मरहूम की वसीयत के मुताबिक शर्मिला के 18 साल पूरे करने के बाद अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर उसकी शादी नहीं हुई तो उसकी ये सारी जायदाद गरीबों में बांट दी जाएगी। हमसे बड़ा गरीब कौन है डैड? बी सीरियस माय बॉय, अगर जायदाद चाहिए तो शंकर रूपी कंकर को रास्ते से हटाना होगा और चाहत को नफरत में बदलना होगा। लौंडिया अकेली आ रही धूप में। शकूर बस्ती की है जहां एक बार रॉबर्ट का डल उठने गए थे, याद है? ये बात है, तब तो मुझे शंकर का बहनोई बनना ही पड़ेगा। चल चलती धूप में क्यों अपना गोरा गोरा अंग जला रही हो, हमारे साथ आराम कर ले, बहुत मजा आएगा। कुत्ते कमीने छूना मत मुझे। अरे यार इसको तो हमारा नाम भी मालूम है, कुत्ता कमीना। जब तुमने कुत्ता कमीना हमें कह दिया है तो दुनिया हिला दूंगा। कलवा छोड़ दे मुझे, शंकर भैया। शंकर बहुत दिन हो गए थे तुम्हारे साथ धंधा किए हुए, ये लो
किसका शादी है? शादी नहीं, जब जन्मदिन की पार्टी है अमरजीत राव की बेटी की, मगर फायदा हमारा होगा। वो कैसे? 3 लाख का हार बनाया उसने अपनी बेटी के लिए। इसका मतलब स्मगलर के घर में स्मगलिंग क्या? ब्लैक का माल है ना, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है ना शोर मचा सकता है। तेरी कमीशन 20% पक्की। बहुत सही मौके पे आया है सेठ। अगले हफ्ते गुड लक लॉन्ड्री वाले मास्टर जी की बेटी की शादी है, अब धूमधाम से होगी। कामनी आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। बड़ा ही कीमती हार पहन रखा है तुमने। अच्छा है ना, डैडी ने मुझे बर्थडे पे दिया है। बहुत ही सुंदर है। हेलो, जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया जी। वो अरे क्या बात है? हम जी जी वो अपनी कम अकली पर गुस्सा आ रहा है। मैं समझी नहीं जी। जिन फूलों की मैंने बेइज्जती की, अब देखिए ना आपके खिले हुए चेहरे के सामने आते ही ये फूल कितने फीके लग रहे हैं। आप कितनी खूबसूरत है, शायद आपको पता नहीं। शुक्रिया। थैंक यू। किसी की भी तारीफ करने में आप कंजूसी नहीं करते। वैसे मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आज ही हमारी तो तकदीर हमसे कंजूसी कर गई, वरना आप अब तक तो कितनी गजलें, कितनी नज़में, कितने नावल आप पर लिख डालता। आप राइटर हैं? अब आपको देखकर कौन राइटर नहीं बन जाए। अरे राव साहब, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? हैप्पी बर्थडे कामनी। थैंक यू। तुम यहाँ क्यों? मैं पेरिस नहीं आ सकती क्या? पेरिस? वाह पेरिस। हाँ दरअसल मैं पहले जाने वाला था ना, लेकिन वो टूर ही कैंसिल हो गया। पार्टी ने मुझसे कहा कि मैं दुबई में मिल लूं, सुबह गया शाम को लौट आया। बाहर बैठ के बात करें। चलो। पार्टी बड़ी शानदार दी है आप। शुक्रिया। बुला रहे। एक्सक्यूज मी। कोई बात है? देख रहे साला कितना चिपकू है। अब मुझे मत रोकना डैडी, मैं आज इसे जान से ही मार डालूंगा। नहीं बेटे, जो शकर से मर सकता है उसे जहर देने की कोई जरूरत। ऑफ। अरे अरे डैडी क्या हुआ? डैडी क्या हुआ? मेरा नेकलेस। देखिए अभी भी कोई हॉल से बाहर नहीं गया होगा, आप पुलिस को बुलाइए। नहीं बिल्कुल नहीं, इससे हमारे गेस्ट की बेइज्जती होगी। हार सिर्फ 3 लाख का था, गया सो गया। दोस्तों इस लाइट की जाने की वजह से आई एम सॉरी, प्लीज एंजॉय योरसेल्फ, पार्टी एंजॉय कीजिए प्लीज। लगता है इस पार्टी में कोई चोर भी है, अब मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, मैं चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलो। शंकर शंकर शंकर, तुम जानती हो शंकर कौन है? जी हाँ। क्या जानती हो उसके बारे में? उतना सब जितना मुझे जानना चाहिए, और आपके लिए इतना काफी है कि वो एक शुरूर और कामयाब बिजनेसमैन है। अगर वो कामयाब बिजनेसमैन होता तो शकूर बस्ती वालों से दोस्ती नहीं करता। अगर वो कामयाब बिजनेसमैन होता तो अपने फ्लैट या बंगले में रहता, रॉबर्ट की शराब की दुकान पर नहीं। बेटी मैं तुम्हारा चचा हूं, तुम्हारा सरपरस्त हूं, तुम्हारी भलाई सोचना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। देखो बेटी तुम कोई अनपढ़ या गंवार लड़की नहीं हो, जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाओ। तुम अपने तरीके से शंकर की असलियत जानने की कोशिश करो, उसके माता पिता, उसका घर बार और उसके काम धंधे के बारे में पता करने की कोशिश करो और फिर फैसला कर लो। मेरे ख्याल से इस बात पे तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आओ अंदर आओ। ये चारपाई देख रही हो? मुझे अभी भी इस पर लेटी खांसती हुई मेरी बीमार मां दिखाई दे रही है। मैं अब भी उसकी आंखों का वो सवाल पढ़ सकता हूं जैसे भगवान से वो बार बार पूछ रही हो कि भगवान तूने मुझे गरीब क्यों बनाया। जब भी मैं उसकी वो भीगी और पथराई आंखों के बारे में सोचता हूं मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते। मजबूर, लाचार और बेबस सासू। उन दिनों मेरे पास मेरी मां की बीमारी के इलाज के लिए कुछ भी नहीं था।
मैं तो उसके लिए दवा भी नहीं ले पाया और एक दिन मेरी माँ इस दुनिया से। शंकर, मुझे मेरी माँ की चिता जलानी थी, मगर उस वक्त मेरे पास इस घर में इस चारपाई के सिवा कुछ भी नहीं था। मैंने अपने अड़ोस पड़ोस वालों से कहा कि इसे आरती बना लो, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस दौलत को, मेरे इस खानदानी जायदाद को मेरे पास ही रहने दिया और सबने मिलकर मेरी माँ का दाह संस्कार किया। अगर ये बस्ती वाले न होते तो मैं यतीम बेसहारा मर जाता। इसलिए जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, एक इरादा मजबूत होता गया कि मुझे अमीर बनना है, इन बस्ती वालों की हर जरूरत को पूरा करना है, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, मगर मैं इन गरीबों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी शंकर। बेटा रोजी, हाँ? जब तू छोटी सी थी तेरी डॉल टूटी, तू कितना रोई थी। पैसा लेके आ जाके ना, पैसे नहीं है यार। रुको रुको बच्चों, क्या चाहिए? पैसे है? कोई बात नहीं, ये लो पैसे, इनको जो जो खिलौना चाहिए दे दो, ले लो। चलो बेटी, चलो पापा। Hey, you bastard! You son of a bitch! तेरे उस मनुष्य बाप को भी गाली देता हूं जिसने तुझ जैसी सड़ी हुई औलाद पैदा की है। साले लंगड़े, बाप तक पहुंचता है, देख दो। देखना चाहता है लंगड़े का कमाल? नहीं पापा, नहीं, छोड़ दो इसे, ऐसे गंदे लोगों के मुंह लगना ठीक नहीं। अपुन की बेटी ने बोल दिया, कुत्ते को अपुन छोड़ता है। चल बेटी। नहीं तो पता नहीं क्या कर लेता है। अब मैं जो तेरे साथ करूंगा लंगड़े, वो भी तो देखना। लेकिन डैड, मैं इस रॉबर्ट के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। ये रॉबर्ट कौन है, करता क्या है? उसकी एक लाइसेंस बाहर है। डैडी, एक काम हो सकता है, उसकी बाहर का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। हो जाएगा। तो जल्दी से पुलिस को फोन करिए ना। पुलिस से पहले कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा बेटे। देखो, हेलो, कौन? माथुर, मैं दुर्गादास बोल रहा हूँ। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? अच्छा हूँ। अरे कैसे याद किया इस वक्त? अरे भाई, एक छोटा सा काम है, मैंने अपने बेटे को जबान दी है, तेरे लिए बड़ी मामूली सी बात है। अरे किस बात के लिए? शकूर बस्ती में एक लाइसेंस बार है रॉबर्ट के नाम, वो लाइसेंस जब्त करवा दो। अरे ऐसे नहीं होता दुर्गादास। क्या मतलब? अरे माथुर, तू सरकारी वकील है, तू मेरा इतना सा काम नहीं कर सकता? अरे भाई, कोई कानूनी लूपहोल ढूंढ। लूपहोल? दूध पीने की उम्र में दारू? चलो पूरे यहाँ से, हमें दारू चाहिए। ये बार है, तुम किसी को पीने के लिए मना नहीं कर सकती, लाइसेंस इसलिए लिया है। बहुत बोलता है। ज्यादा बंकस नहीं मांगता, 15 साल से अपन ने बार चलाया है लेकिन आज तक पुलिस स्टेशन नहीं गया है, कोई खोटा धंधा नहीं करता अपन। छोटा छोटा बच्चा है, अपने अपने घर जाओ, पढ़ो लिखो, कमाओ, जब बड़े हो जाओ तब इधर को आओ, अपन तुम दोनों को फ्री में दारू पिलाएगा। रॉबर्ट, जब हमें खबर लगी तो यकीन नहीं हुआ कि तुम्हारी बार में बच्चों को भी शराब बेची जाती है, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने इनको शराब नहीं दी, मैं तो उनको घर जाने के लिए कह रहा था। रॉबर्ट, तुमको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा और इन बच्चों को भी पकड़ लो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अपन की बात तो सुनिए आप। शट अप, तुम्हें जो भी कहना पुलिस स्टेशन में कहना। पापा। बेटा, तुम चिंता मत करो, सच्चाई मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए इंस्पेक्टर साहब। पापा, कैसा है बेटा? ठीक हूँ। अरे बगैर पैसा खिला है, इस जमानत पर लेकर आया हूँ। थैंक यू पापा। थैंक यू मेरा नहीं, तो हुआ करो,
और देखो रावण, घबराना बिल्कुल नहीं, मैं जज कभी ऐसे तोते उड़ाऊंगा कि पहली पेशी में तुम्हारा लाइसेंस वापस। चाचा अब लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। क्यों, क्यों? बात यह है, वो सरकारी वकील माथुर है ना, बहुत चालू आदमी है। अच्छा? अरे उसने पुलिस को फोन करके रेट डलवा दिया था। यानी कि माथुर साहब को मालूम था कि बार में दो छोटे बच्चे हैं, मगर उन्हें मालूम कैसे पड़ा? और रॉबर्ट अंकल के साथ उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? इसका मतलब ये कि माथुर साहब के पीछे किसी और का हाथ है। हेलो, हाँ मैं माथुर बोल रहा हूँ। होगा तूने मुझे 10 साल की सजा दिलाई थी ना रे? फुगा, वो तेरी बेटी समान है, अभी बच्ची है, मेरी बहन को छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बहन को। इसे छोड़ दूंगा तो वकील साहब मुझ पर बलात्कार का इल्जाम कैसे लगाएगा? फुगा, तुझे अगर मुझसे बदला लेना है तो मेरी जान ले ले, मुझे। मैंने अपना फैसला सुनाना था, सुना दिया। हेलो फुगा, बचाओ, ओ बचाओ, यहाँ चाहे जितना भी चिल्लाओ यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, भगवान भी नहीं आएगा। भगवान हर जगह होता है फुगा। शंकर, तुमने उस शैतान से हमारी इज्जत बचाई। आप तो हमारे लिए फरिश्ता हैं। अरे अरे ये सब क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? मैं अपनी जान देकर भी ये एहसान नहीं उतार सकता। जो काम पुलिस नहीं कर सकी वो तुमने किया है। देखिए पुलिस की ये ड्यूटी है और मेरा ये शौक है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारे किसी ना किसी काम आऊं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जी मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? चाहिए अगर। हाँ बोलो जी। सकुर बस्ती में एक लाइसेंस बार है जिसका मालिक रॉबर्ट है। रॉबर्ट बहुत ही शरीफ और अच्छा आदमी है, वहां पर उसका कोई गैर कानूनी या गलत काम नहीं चलता, यह बात मेरे को मालूम है। बच्चों को शराब पिलाने के जुर्म में पुलिस ने उसका लाइसेंस जब्त कर लिया। मैं चाहता हूँ कि वो लाइसेंस वापस मिल जाए। तो मिल जाएगा। थैंक यू बॉस, थैंक यू, थैंक यू बॉस, थैंक यू। मुश्किल है जीना मेरा।
मुश्किल है जीना मेरा अब तो तेरे बिना है अब तो तेरे बिना सब कुछ मिल जाता ना बेटा इसलिए वो नाटक करता है। गुड मॉर्निंग रॉबर्ट अंकल। गुड मॉर्निंग मैम साहब। मैम साहब नहीं, अगर आप मुझे बेटी कहेंगे तो ज्यादा बेहतर। अच्छा अच्छा बेटा, ये हमारा बेटी है, इसका नाम है रोजी, और रोजी ये शंकर का इसका नाम शर्मिला है। हेलो हेलो, तुम शंकर को कैसे जानता है? उसने एक बार मेरी जान बचाई थी। उसे ऐसे काम करने का बहुत शौक है। अच्छा तुम बैठो, मैं कॉफी लेके आती हूँ। नहीं मैं बहुत जल्दी में हूँ, असल में मैं शंकर को इनवाइट करने आई थी। अरे तुम यहाँ? अच्छा हुआ तुम मिल गए। शंकर आज शाम मेरे घर पार्टी है। किस खुशी में? वो मेरे अंकल के बर्थडे है, तुम जरूर आना। पर हाँ अंकल, रोजी तुम लोग भी आना और अपने सारे दोस्तों को लेकर आना। हाँ जरूर। लेकिन बेटा ये बूढ़ा तुम बच्चों की पार्टी में क्या करेगा? अंकल आपको आना ही पड़ेगा, अब मैं चलती हूँ। ओके बाय। एक काम कर, तू वहीं खड़ा रहे, हेलमेट तुम जाओ यहाँ से। अरे सुनना तो मैं। हेलो रोजी, हाउ आर यू? ये क्या लफड़ा है?
कौन सा? इस छोकरी को देखती तेरे चोकटे का डिजाइन क्यों बदल गया? आज तक अपन को क्यों नहीं बताया इसकी दोस्ती के बारे में? अरे ऐसा तो इसका पचासों के साथ लफड़ा है, तुमको पूरा अकाउंट देगा सबका। पापा तुम ऑलवेज इसका साइड लेता है, अपन भी देखता है इसकी दोस्ती कैसी है, अपन भी पार्टी में जाएगा। आइए सबरवाल साहब, वेलकम वेलकम। मेरी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। थैंक यू थैंक यू। वैसे आज आप अपना कौन सा जन्मदिन मना रहे हैं? 14 14। अरे भाई मजाक मत समझिए, आज का तारीख है 29 फरवरी। 29 फरवरी? हाँ, 4 साल में सिर्फ एक बार आती है। अरे हाँ, एक और सज्जन भी है जिनका जन्मदिन ये 29 फरवरी को ही आता है। अच्छा, हेल्प योरसेल्फ, एंजॉय योरसेल्फ। और कितनी देर बेटी? काफी वक्त हो रहा है, मेरा ख्याल है केक काट देना चाहिए। अंकल 5 मिनट और ठहर जाइए, मुझे कुछ अपने दोस्तों का इंतजार है। चलो यार, आज तो पीने कोई मिलेगा। वो आ गए। हाय, तुमने आने में बहुत देर कर दी। वो इन लोगों ने तैयार होने में देर कर दी। चलो चलो चलो। इन भिखारियों को किसने बुलाया? अपनी अन्नपूर्णा दयालु शर्मिला ने। ऑफ डैड, तुम जबान पर काबू रखना। कोई बात है? चाचा जी, जन्मदिन मुबारक मुबारक। आपने अपने जन्मदिन पर कितना सुंदर ड्रेस बनवाया है। अबे चरसी, मुझे पता था तू गलती कर सी। अबे ये सेठ जी नहीं, हमारी तरह फुटपाथ ब्रांड है। सेठ जी वो रहे। अंकल, शंकर से तो आप मिल ही चुके हैं। ये भगवान दादा है। नमस्ते। ये रोजी। नमस्ते। ये जुनुमिया और ये किशोर जी है। नमस्ते। और ये जुगनू है। चले केक काटे। चलो आजा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे चाचा जी। हैप्पी बर्थडे चाचा जी। हैप्पी बर्थडे चाचा जी। गुड। विस्की सर? अपन ने पीता है। पी लो ना साहब, वरना अपन का साहब नाराज हो जाएगा। साहब नाराज हो जाएगा? थैंक यू। एक मिनट, साहब नाराज हो जाएगा। एक मिनट, साहब नाराज हो जाएगा। स्कॉच है। साहब नाराज हो जाएगा। ग्लास प्लीज। अबे देखते नहीं है मेरे हाथ में और जेब में ग्लास ही ग्लास है। दादा। कौन है? कौन है? अरे मैं हूँ भाई। इधर है? अरे इधर भाई। तू यहाँ कैसे आया? अरे भाई, लॉन्ड्री पे वो आदमी आ करके खड़ा है। कौन? अरे वो आदमी जिसका कोट तूने पहन लिया भाई, उतार दे। अरे उतार दू? कैसी बातें करता है, इतनी बड़ी पार्टी में आया हूँ, अरे कोट उतार के दे दूंगा तो लोग क्या कहेंगे मुझे? तू नहीं देगा तो मुझे जूते मारेगा, 50,000 गिनेगा। एक उतार दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, 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 कर हा? ये पकड़, मैं कोट उतारता हूँ। कट है गया तू? नहीं छोड़ूंगा तंदूर। मुर्गा, मुर्गे के बाल, मुर्गे की दाढ़ी। एंजॉय योरसेल्फ। हाँ कॉल। ओ मिस्टर तैमूरलंग, सेठ इस लकड़ी की टांग को हटाओ। हटाने का बात नहीं है सेठ, अपन तुमसे यह पूछता है कि तुम दौलत के ढक्कन पे बैठा कैसे? आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ का बात नहीं है सेठ, अपन तुमसे सिर्फ ये पूछता है कि तुम दौलत के ढक्कन पर बैठा कैसे? शड़ा शड़ा का बात नहीं है इससे। ये किधर है? Are you comfortable? Feel at home, हाँ? अच्छी है, अच्छी।
विस्की। मैंने पीता? नहीं पीता, नहीं पीता, तो फिर मैं पीता हूं। मजा आ गया। एक मेरी तरफ से भी हो जाए। सेट किधर गया? इसका बात नहीं है सेठ, अब उन तुमसे सिर्फ इतना पूछता है कि तुम दौलत के ढक्कन पे बैठा कैसे। सिगरेट पियो? थैंक यू। सिगरेट पीने का बात नहीं है सेठ, अब उन तुमसे सिर्फ इतना पूछता है कि तुम दौलत के ढक्कन पे बैठा कैसे। आहिस्ता बोलो। आहिस्ता बोलने का बात नहीं है, अब वो तुमसे सिर्फ इतना पूछता है कि तुम दौलत के ढक्कन पे बैठा कैसा। जिमी, बेबी का बात सही है सर, अब वो तुमसे सिर्फ इतना पूछता है कि तुम दौलत के ढक्कन पे बैठा कैसे। सुनो, अभी आता हूँ, तो जोर से आ रहा है। जोर से आने का बात नहीं है सर, अब वो तुमसे सिर्फ इतना पूछता है कि तुम दौलत के ढक्कन पे बैठा कैसे। लगता है कि मैं अपना जन्मदिन पागलखाने में मना रहा हूँ। हम तुम्हारे सामने इतने सालों से शंकर का वास्ते प्रे किया, डेली कैंडल जलाया तुम्हारे सामने, और तुमने तुमने हमारे प्रेयर का, हमारे फेथ का कुछ ख्याल नहीं किया। अपन का लव उस लड़की को दे दिया। नहीं मदर मैरी, अपन ये बर्दाश्त नहीं करेगा। सुना तुमने, अपन से ये बर्दाश्त नहीं होगा। अपन कुछ खा के मर जाएगा, अपनी जान गाड़ी के नीचे आकर दे देगा। अपन को शंकर चाहिए मदर मैरी, अपन को शंकर का लाभ चाहिए, अपन को शंकर चाहिए मदर मैरी, शंकर चाहिए, अपन को शंकर चाहिए मदर मैरी। कल रात हमारी इज्जत हमारे घर में हमारे मेहमानों के सामने हमारे एक टेबल कुर्सियों पर गेंद की तरह उछाली गई। बेटे, जो कुछ भी हुआ है हमारे लिए अच्छा ही हुआ है। वो कैसे डैड? कल इतने लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि शर्मिला आपे से बाहर होती जा रही है, और उसकी दोस्ती कितने थर्ड क्लास लोगों से है। अब जब मैं शर्मिला से सख्ती से पेश आऊंगा तो लोगों को हमदर्दी मुझसे होगी। आप जिस भी तरह से पेश आइए डैड, शर्मिला के दिल से शंकर को निकाल दीजिए। शर्मिला को यकीन हो जाना चाहिए कि शंकर घटिया आदमी है। तुम फिक्र मत करो बेटे, शंकर खुद शर्मिला से कहेगा कि वो धोखेबाज है, घटिया है, फ्रॉड है, और उसे शर्मिला से नहीं बल्कि उसकी दौलत से मोहब्बत है। ए! मैं? हाँ तुम, यहाँ ये ले। नमस्ते साहब। कल रात तुम ही हमारी पार्टी में शंकर के साथ आए थे ना? मैं आया था। नशा आ गया, खाने का भी और पीने का भी। अरे सुनो, गाड़ी में बैठो, तुमसे कुछ काम है। बेटे घबराओ मत, बैठ जाओ। मैं अभी आता हूँ। अरे अंगात ढगला पैंटी शंकर, ओ शंकर, काय को सवेरे गला फाड़ रहे यार? एक ऐसी तिजोरी पर नजर पड़ी है, अगर तुम उसका ताला तोड़ दो सबकी किस्मत का दरवाजा खोल दो। फट फट, अपन चोरी नहीं करता, अपन को हिसक हो गया यार वटना। अरे उसी प्यार के लिए तो मैं कह रहा हूँ यार, वो करोड़पति की बेटी है, उसे झोपड़ी में रखेगा। शंकर, अगर तुम शर्मिला से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें यह चोरी करनी ही पड़ेगी। Thank you.
शंकर? अरे लाखों का मालिक रात के अंधेरे में पराए घर की तिजोरी में क्या ढूंढ रहा है? जी जी मैं ढूंढ नहीं रहा डैडी, एक चोर अपना पेशा कर रहा है। देखा बेटी, देखी इस आदमी की असलियत। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस दरअसल क्या है। अब पता चला ये तुमसे क्यों प्यार करता है। दरअसल इसकी नजर तुम्हारी दौलत पर है। मैं तो पहले से ही जानता था ये चोर उचक्का बदमाश है। क्यों बे? अब पकड़ा गया ना रंगे हाथों। शर्मिला मत लो अपनी झूठी और गंदी जबान से मेरा नाम। मैंने तुम्हें क्या समझा था? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं अंकल। नहीं बेटे, पुलिस को मत बुलाओ, इससे हमारी शर्मिला की बदनामी होगी। इसको सजा तो मिलनी चाहिए। मेरी नफरत ही इसकी सबसे बड़ी सजा है। निकल जाओ यहाँ से। I say get out! शर्मिला, अच्छा हुआ बेटा कि तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। हम कहते तो तुम्हें यकीन ही नहीं आता। मत रो बेटा। हेलो हेलो शालू, शालू मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। शालू फोन नीचे मत रखना। शालू अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार है तो तुम्हें उस प्यार की कसम है। शालू तुम सुन रहे हो ना? हेलो हेलो शालू। शर्मिला शर्मिला मेरी बात तो सुनो, ये सब हमारे दुश्मनों की चाल थी। उन्होंने जानबूझ के मुझे तुम्हारे सामने जलील करने की कोशिश की है और तुम्हें चोरी करने के लिए मजबूर किया। मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहती और खबरदार जो तुमने मुझसे मिलने की कोशिश की। शर्मिला मेरी बात तो सुनो। छोड़ मुझे। शर्मिला मुझे समझ, हिंदी समझ में नहीं आती तो अंग्रेजी में समझाओ। चलो जिमी। शंकर बस कर, काय को अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है? अरे अरे जान ही तो नहीं निकल रही कमबख्त। ये कैसा गम है रोजी, ये कैसी तड़प है। इस गम को जितना दबाने की कोशिश कर रहा हूं उतना बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जा जाके एक बाटली और लेके आ जा। नहीं मैं तुझे और नहीं पीने दूंगी। हाय रोजे, तेरे को बोल दिया ना, चल। एक तुझे ही गम है क्या? दुनिया में और भी बहुत है जो बरसों से प्यार के लिए तरस रहे हैं, जिनका दिल रोता है मगर आंखें खुश हैं, पर वो तेरी तरह शराब में नहीं डूब जाते। हाँ आए रोजे, उनका दिल नहीं टूटा होगा। काश दिल के टूटने की आवाज होती। चल उठ, खाना खा के सो जा। अरे अब तो जिंदगी में एक ही बार सोऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन उसके लिए मुझे शराब की जरूरत है। ये शराब मुझे हमेशा हमेशा के लिए हमेशा के
मेम साहब, शकूर बस्ती से एक लड़की आपसे मिलने के लिए आई है। शकूर बस्ती से? मुझे उस नाम से नफरत है। पर अपुन मिले बगैर नहीं जाएगा मैडम। अपुन से शंकर का तो देखा नहीं जाता। नाम मत लो उस धोखेबाज का, मेरा उसका कोई वास्ता नहीं है। पर शंकर को तो सिर्फ तुम ही से वास्ता है मैडम, वो तुमको सच्चा लव करता है। मुझे उससे नफरत है, नफरत है, नफरत है। तुम्हारा आंसू बोलता है मैडम, तुम उससे नफरत नहीं लव करता है। बिल्कुल नहीं, मुझे उस खुदगर्ज से कोई प्यार नहीं है। शंकर खुदगर्ज नहीं है मैडम, उसने चोरी की भी तो किसी भूखे का पेट भरने के वास्ते, सेब तोड़ी तो किसी विधवा की बेटी की शादी के वास्ते, रुपया छीना तो किसी गरीब बच्चे की फीस के वास्ते। लोग उसे कुंडा बोलते हैं, पर जब कभी भी वो हाथ उठाया तो किसी कमजोर को बचाने के वास्ते। तुमको हमारी बात का विश्वास नहीं होता ना, तो पूछो उस सरकारी वकील से जिसकी बहन को बचाने के वास्ते उसने अपनी लाइफ तक का रिस्क ले लिया। तुम उसके दुश्मनों से भी पूछोगी ना, तो वो सब यही कहेंगे, शंकर अपने वास्ते नहीं दूसरों के वास्ते जीता है मैडम। तो क्या 9 लाख के हीरे उसने लोगों में बांटने के लिए चुराए थे? नहीं, वो उसकी पहली और आखिरी चोरी थी जो उसने अपने वास्ते किया। पर सच पूछो तो वो चोरी भी उसने तुम्हारे वास्ते किया। मेरे लिए? हाँ, वो तुमको वो सब आराम देना चाहता था जो शादी से पहले तुम्हारे पास है। वो तुम्हारी हर जरूरत पूरी करना चाहता था। वो चाहता था कि तुम्हें इससे भी बड़े घर में रख सके। मैं तो उसके साथ झोपड़े में भी रह लेती, लेकिन तुम उसके दिल में झांक कर देखो, वो कितना ग्रेट है, कितना नाइस है। वो तुमको प्यार करता है, तो ये तुम्हारा गुड लक है। तुम बहुत लकी है मैडम, जिसे तुम कोयला समझ बैठी हो वो हीरा है, तुम्हारे प्यार का हीरा। उसे अपने आप से दूर मत करो, उसे अपने गले से लगा लो। गिव हिम लव। ये हमारी तरफ से तुम दोनों के लव के वास्ते। मे मदर मेरी ब्लेस यू। मैं आ गई शंकर। हाँ? मैं आ गई हूँ शंकर। शालू, तुम सचमुच आ गई हो? हाँ शंकर। चली जाओ, तुम चली जाओ यहां से। मुझे मालूम है तुम मुझे दोबारा छोड़कर जाने के लिए आई हो। देखो एक बार मेरा दिल टूट चुका है और मैंने तड़प के जीना सीख लिया है। अब मेरा दिल दोबारा मत तोड़ो। नहीं शंकर। हाँ। अगर तुम तड़पे हो तो मैं भी तुमसे बिछड़कर एक पल चैन की सांस नहीं ले पाई। मैं मर जाती शंकर अगर मुझे तुम्हें पहचाने में देर हो जाती। शालू, अगर तुम सारी बस्ती के लिए भगवान हो तो मेरे भी देवता हो शंकर। मुझे अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो। शंकर, मैं दौलत की भूखी नहीं हूं, तुम्हारी हलाल की कमाई से खरीदी हुई आधी रोटी मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होगी। बस एक वादा करो, तुम दूसरों के भले के लिए भी कोई गलत काम नहीं करोगे। नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी दुआओं का सिला हो। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा शालू। गुड मॉर्निंग सेठ। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम्हारा सर्वेंट सेठ, बहुत अच्छा लोग है। क्या काम है सेठ? अपन सकूर बस्ती से आया है। चाहिए क्या? बात यह है सेठ, अपन तुमसे बात करने को आया है, लेकिन मामला यह है सेठ, बात किधर से शुरू करें यह अपन को नहीं आता सेठ। पन अपन बहुत बहुत उम्मीद करके आयला है सेठ। क्या आयला आयला कर रहा है? जल्दी बोल, क्या बात है? बात यह है सेठ, अपन आयला है शंकर और शर्मिला की बात करने को। उन दो बच्चों का
मैरिज का बात करने को। पागल हो गयो? शर्मिला उससे नफरत करती है। नहीं सेठ नहीं, वो सब गड़बड़ था, अब सब ठीक हो गया है। उन दोनों ने अपन को भेजा इधर बात करने को। क्या है सेठ, शंकर का इस दुनिया में माँ बाप नहीं है ना, तो कौन बात करेगा। मगर अपन भी कितना उल्लू का पट्टा है, अपन को भी किधर बात करने को आता है। तुम्हारा शंकर से क्या रिश्ता है? ऐसे पूछने को जाएगा तो शंकर अपन का कोई नहीं है, पर अपन शंकर को इतने से जानता है सेठ, वो तब छोटा था ना तो अपन के बेड के नीचे जमीन पर सोता था। नंगी जमीन पर सोने वाला एक करोड़पति की बेटी से शादी के ख्वाब देख रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? निकल जाओ यहां से और हमारा संदीप बनने का ख्याल छोड़ दो। नहीं सेठ, अपन अच्छी तरह से जानता है कि अपन किसी का कोई बनने के काबिल नहीं है। पर क्या है सेठ, अगर ये शुभ काम अपन के हाथ से हो जाएगा ना तो अपन का जीवन सुधर जाएगा। अपन जिस दिन मरेगा ना सेठ, तो अपन एक स्माइल लेकर मरेगा, खुदा के घर में हंसता हुआ जाएगा सेठ। साला लंगड़ा भिखारी, गेट आउट। तुम अपन को चाहे जितना इंसल्ट करो, जितना चाहे गाली दो सेठ, पर शंकर का दिल मत तोड़ो सेठ। शंकर बहुत अच्छा लड़का है, अगर शर्मिला से जुदा कर दी गई तो अपन का शंकर मर जाएगा सेठ। जिस दिन शंकर मर जाए कफन के पैसे मुझसे ले जाना। ऐसा मत बोल। नहीं सेठ, ऐसा मत बोलो सेठ, अपन तक से बहुत लव करता है सेठ, अपने बच्चे से ज्यादा लव करता है सेठ। सेठ अपन प्रॉमिस करता है, आपका बेटी भी उससे बहुत प्यार करता है सेठ। अपन तुम्हारे पांव को हाथ लगाता है सेठ, उन दोनों का लाइफ बर्बाद मत करो सेठ, उन दोनों का शादी कर दो सेठ, शादी कर दो सेठ, शादी कर दो उन दोनों का। गॉड आपको बहुत ब्लेस करेगा सर। देख बे लंगड़े, इससे पहले कि मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूं, चला जा यहां से। सर, आप उन दोनों को प्रॉमिस करके आया सर कि तुम आप उनका कहना जरूर मानेगा सर। सर, आप तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता सर, उन दोनों का शादी करा दीजिए, उन दोनों का हैप्पीनेस के वास्ते। अब मैं शादी कराता हूं। बास्टर्ड। सर जी, आप चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन उन दो बच्चों को अलग मत करो सेठ जी, अलग मत करो सेठ जी, उन दो बच्चों को अलग मत करो सेठ। ना तो बहादुर रामो सेठ जी, उठा के इस लंगड़े को बाहर फेंक दो। बच्चों को अलग मत करो सेठ जी, ये बच्चों को अलग मत करो सेठ जी, ये पाप है सेठ जी, तो बच्चों को अलग मत करो। छोड़ो मुझे। क्या बोले अंकल? ये बोला उन्होंने, हमारा बॉडी पर जितना निशान है ये उनका जवाब है। वो लोग हाथ उठाए तुम पर? हम उनका तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने हमारे हाथ पर थूक दिया। हम उनका पांव पर गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने हमको ठोकर मार दिया। ये साला अमीर लोग एक ही जबान समझता है, और वो है दौलत की। है तेरे पास दौलत? वो सब मेरे को नहीं मालूम, मेरे को सिर्फ इतना मालूम है कि मैं शर्मिला से प्यार करता हूं, उसके बगैर जी नहीं सकता। मिस्टेक तेरा है मैन, तू काय को गरीब पैदा हुआ, और अगर गरीब था तो काय को अमीर लड़की से लव किया, काय को पाला ये बीमारी तू। अब या तो तू सब भूल जा, या फिर क्या? क्या शर्मिला तुमसे सच्चा प्यार करता है? हाँ। तुम्हारा वास्ते कुछ भी कर सकता है? हाँ? कर दे सेठ दुर्गा दास का मुंह काला, झुका दे उस हरामजादे की गर्दन समाज में, तोड़ दे उसकी दौलत की टांगे। शंकर भगा कर ले जा शर्मिला को और शादी कर ले। हाँ अंकल, साला अपुन भी देखता है, ये अमीर का पैसा गरीब की मोहब्बत के आड़े कैसा आता है। कहां से आ रही हो? तुमसे मतलब? मतलब हमारे खानदान की इज्जत से है, जिसे आजकल तुम एक घटिया आदमी के साथ जोड़ के बदनाम कर रही हो। आज के बाद तुम शंकर से नहीं मिलोगी। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीती आई हूं और वैसे ही जीऊंगी, और मैंने हुक्म देना सीखा है, मानना नहीं। तो आज से फिर हुक्म मानना भी सीख लो, समझी? खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तुमने। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता।
ले जाओ इसे कमरे में बंद कर दो, ले जाओ। शर्मिला, शंकर अपनी सलामती चाहता है तो चुपचाप यहां से दबा जा। मैं शर्मिला से मिलने आया हूं। शर्मिला तुमसे नहीं मिलेगी। क्यों, क्यों नहीं मिल सकती? जरूरी नहीं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया जाए? तो फिर यह भी जरूरी नहीं कि मुझसे कोई सवाल किया जाए, समझे तुम? बाहर लाओ इसे। शंकर, चलो चलो। शर्मिला, शंकर, शर्मिला, आज तुम दोनों साथ साथ कैसे? अंकल, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। लेकिन बेटी दुर्गादास तो तुम्हारी शादी। जानती हूँ अंकल, वो मेरी शादी जिम्मी से करना चाहते हैं, मगर मैं नहीं करना चाहती। मैं शंकर से प्यार करती हूँ और कोर्ट में शादी करना चाहती हूँ। देखो बेटे, कोर्ट मैरिज करवाने के लिए तुम्हारा बालिग होना जरूरी है। तुम तो भी 18 साल की भी नहीं हुई। एक हफ्ते के बाद हो जाऊंगी। तो एक हफ्ता तुम्हें इंतजार करना होगा। वैसे भी तुम्हें अपने डैडी की वसीयत का तो पता ही है। जी, 18वें जन्मदिन के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर मैंने शादी नहीं की तो मेरे डैडी की सारी जायदाद के मालिक अंकल हो जाएंगे। मगर मुझे डैडी की दौलत नहीं चाहिए। तुम क्या चाहती हो कि सारी दौलत के मालिक दुर्गादास हो जाएं? नहीं बेटे, देखो तुम्हारे डैडी की आधी दौलत वो पहले ही रेसेज और स्टॉक मार्केट में बर्बाद कर चुके हैं। तुम क्या चाहती हो, बाकी की दौलत भी ऐसे उजाड़ दें? नहीं, इससे तो अच्छा होगा कि बाकी के पैसे तुम किसी संस्था को दान कर दो। माथुर साहब ठीक कह रहे शर्मिला, किसी भी हालत में पैसा उन बाप बेटे को नहीं मिलना चाहिए। हाँ देखो, ये 8 दिन तुम लोग कहीं भी छुप के गुजार लो, तब तक मैं तुम्हारे डैडी की वसीयत निकलवा लूंगा और शादी के दिन सारी दौलत तुम्हारे नाम करवा दूंगा। जिंदगी में एक बात याद रखना, हराम की कमाई के हजारों लाखों रुपए से उस एक रुपए में ज्यादा बरकत होती है बेटे, जो हलाल की कमाई का होता है। बस शंकर नहीं मिला। अफ़ा जाओ, पूरी बस्ती में ढूंढो, जाओ। हम पहला निवाला अपनी बेगम के हाथों से खाएंगे। जो हुक्म। कैसा लगा? ठीक है, तुम बोलो। भाई मैंने तो इतना मजेदार खाना आज तक नहीं खाया। सच, झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्या डाला तुमने इसमें? कुछ भी नहीं, लेकिन जिन पैसों से इन्हें बनाया है वो तुम्हारी हलाल की कमाई के हैं। अब तो रोज मजेदार खाना मिलेगा। आज के बाद हम सिर्फ हलाल की कमाई खाएंगे। क्या हुआ बॉस? पूरी बस्ती छान मारी, शंकर का कहीं पता नहीं चला। मुझे तुम निकम्मों से यही उम्मीद थी। जाओ। दुनिया हिला दूंगा। एक शंकर को तो ढूंढ नहीं सके, चले दुनिया हिलाने। जाओ अभी टांगे हिलाओ, ढूंढो शंकर को, जाओ। नहीं, शंकर। मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि मेरी भी एक छोटी सी दुनिया है।
जो आसमान के चांद सितारों से नहीं बल्कि प्यार के इस छोटे से दिए से रोशन है। शंकर, अब वक्त हमारे साथ कितनी भी आंख में चोली खेले, अंधेरे के सागर उमड़ उमड़ कर आए और तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहे, लेकिन तुम मेरी आंखों से कभी दूर नहीं हो सकते। इस प्यार की रोशनी से मैं तुम्हें हमेशा अपने पास पाऊंगी। शालू, आई लव यू। डैडी, ये शंकर रोज मेरे खाने में कंकर बनके मेरे दांत तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दांतों की फिक्र मत कर बेटा, शंकर तेरे दांत तोड़ेगा तो नहीं लगवा दूंगा। तू किसी भी तरह से शर्मिला को ढूंढ। अरे डैड, मैंने उन्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, चर्च गेट से लेकर विरार तक का हर स्टेशन हर पुल छान मारा, यहां तक कि रोड के साइडों में रखे हुए म्युनिसिपैलिटी के बड़े बड़े पाइपों में मैंने दूरबीन लगाकर देखा, मगर वो दोनों ऐसे गायब हुए जैसे रात में सूरज। अरे मेरे चमकीले सूरज, अगर शर्मिला नहीं मिली तो हम दोनों की किस्मत का सूरज डूब जाएगा। कभी नहीं, कभी नहीं डैड। कोई बात है? हाँ, शंकर वहां जरूर आएगा, वो तो आएगा ही, और साथ में शर्मिला भी आएगी। मतलब अपना काम तो बन गया, शंकर जरूर आएगा। शंकर जरूर आएगा, कहां आएगा? बस्ती में। कल शंकर की मुंह बोली बहन की शादी है वहां। क्या देख रही हो बहन जी? शंकर को देख रही हूँ भाई साहब, कहा था कन्यादान के वक्त पहुँच जाऊंगा। बहन, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। अपने आप को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो शंकर। रोजी, शंकर तुम शर्मिला को लेके भाग जा। रोजी ले चलो इसे। शंकर छोड़ो मुझे, शंकर, शंकर। मेरे लिए तूने अपनी जान दे दी। मेरी जान भी तो तुम्हारी थी शंकर, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी आखिरी सांस तुम्हारी। Jump! Jump!
गाड़ी और तेज चलाओ। मेरा बेटा जिमी जो शर्मिला और शंकर को पकड़ने गया है उसे आज तक नहीं आनी चाहिए। शर्मिला को मेरे कब्जे में और शंकर को मौत के कब्जे में होना चाहिए। ऐसा ही होगा सेठ। चलो बस और चला नहीं जाता। थोड़ी देर आराम कर लो फिर चलते हैं। मखमल के बिस्तरे पर सोने वाली को मैं कहां कांटों में घसीट लाया। शंकर मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आई हूं। देख तेरा चेहरा कैसे कुमला गया है। और अभी तो और 48 घंटे तेरे चाचा की नजरों से दूर रहना है। तुझसे नहीं होगा। इतनी तकलीफ तू कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। मैं ही खुद गर्ज था जो तुझे अपने साथ ले आया। शंकर ये क्या कह रहे हो तुम। अपने प्यार से ज्यादा मुझे तुम्हारी जिंदगी प्यारी है। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूं। शंकर तुम मुझसे अलग रह सकोगे। नहीं जानता मगर मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। और मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। शंकर शंकर
सोचा था बच जाओगे। अरे हम तो वो शिकारी हैं जो हवाओं से शिकार का पता पूछ लेते हैं। शर्मिला इधर आओ, आज तो मैं ये खेल ही खत्म कर दूंगा। आज तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे साथ मैं आज मैं इसे जान से मार दूंगा। हट जाओ शर्मिला। इंस्पेक्टर साहब, यही है सेठ दुर्गादास जो शर्मिला की दौलत को बर्बाद करता रहा और अब शर्मिला को खत्म करना चाहता है। इंस्पेक्टर साहब, ये इल्जाम सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर दास, सच्चाई तक पहुंचना हमारा काम है। चलिए शंकर, मौत कभी भी नहीं टलती, थोड़ी बहुत मोहलत जरूर दे देती है। तुझे मेरे हाथों मरना था,
और तुम मेरे हाथों मरेगा। कौन किसके हाथों मरेगा ये तो सिर्फ गॉड जानता है, तो जैसा शैतान नहीं। रॉबर्ट अंकल, यही वो कमीना है जिसने रोजी का खून किया था। मारो इसको। तेरा बाप लोग आए। सजा देना तुम्हारा काम नहीं, कानून का काम है। इंस्पेक्टर, ये रहा आपका मुजरिम जिम्मी, दुर्गादास का बेटा, जिसे आप पहले गिरफ्तार कर चुके हैं। अरेस्ट हिम। लंगड़े तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दुनिया हिला दूंगा। जा पुलिस चौकी में हिलाते रहना। जा पापा। रोजी, माय सन, रोजी। अंकल, मैं आपकी रोजी नहीं बन सकती क्या? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। माय चाइल्ड,